कम टू अनदर लेक्चर तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ द लीव्स तो कल हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स में वेनेशन खत्म की थी तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ द लीव्स तो लीव्स के टाइप्स दो किस्म के लीव्स होते हैं एक तो होता है सिंपल लीफ और दूसरा होता है कंपाउंड ली सिंपल एंड कंपाउंड अब पहला क्वेश्चन है कि ये लीव्स के टाइप्स किस पर हमने कर दिए तो Leaf का टाइप जो लीव्स के टाइप्स निकलते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ इंसीशन ऑफ द लेमना लेमना जो होता है दैट द ब्रॉडेस्ट पार्ट जो होता है किसका लीव का जिसको हम लेमना कहते हैं या ब्लेड कहते हैं तो उसमें कि, किस तरीके का इंसीशन हुआ है किस तरीके से वो कटा हुआ है ठीक है इंसीशन हम सिंपली कटने को कहते हैं तो बेस्ड ऑन द बेस्ड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ इंसिशन ठीक है डिपेंडिंग अपॉन इंसीशन ऑफ इंसियन किसका लैमिना तो डिपेंडिंग ऑफ लैमिना ऑफ द लीफ ऑन द बेस ऑफ दैट हमने लीफ को दो हिस्सों में कन्वर्ट किया है सिंपल एंड कंपाउंड लीफ अब हम चलते हैं लीफ के किस वाले हिस्से पर सिंपल वाला लीफ क्या होता है सिंपल लीफ देखो शॉर्टकट शॉर्टकट में मैं आपको समझा देता हूं सिंपल लीफ क्या होता है सिंपल लीफ होता है कि जिसका लैमिना सिंगल हो जिसका लैमिना क्या हो सिंगल दूर से ही दिखता हो कि ये सिंगल सिंगलना है इसमें इसमें बहुत सारे वो छोटे छोटे लाइक like नहीं बने तो ये है लैमना कंप्लीट लैमना है ये इसमें इंसिशन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है लेकिन अगर मैं कह रहा हूं यहां पर सिंपल लीफ होता है कि जिसमें लैमना क्या हो सिंगल लैमना यहां पर क्या दिख रहा है आपको एक ही दिख रहा है तो लैमना सिंगल होता है सिंपल लीफ में और इंसीशन हो भी सकता है इंसीशन नहीं भी हो सकता है सिंपली में इंसीशन हो भी सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल इंसीशन मैं ऐसे इसके इसका बॉर्डर मैं ऐसे दिखाऊंगा इसका बॉर्डर मैं अगर ऐसे बनाऊंगा इंसीशन इंसीशन लाइक बॉर्डर तो इंसीशन हुआ है इंसिशन मीन कट अंदर की तरफ जो है इंसीशन तो हुआ है लेकिन ये इंसिशन टूवर्ड तो द मिड रिप पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है नहीं पहुंचा है तो अगर इंसिसन हुआ है बट दैट इज नॉट इज नॉट रीचिंग द मिड रिप ये मिड रिप तक नहीं पहुंच रहा है ये इंसिशन तब भी हम इसको क्या कहेंगे सिंपल लीप तो सिंपल लीप में इंसीशन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है लैमना सिंगल होता है ये पहली बात इंसेशन इंसिशन नेवर रीचिस मिड्रिप ठीक है मिड्रिप तक नहीं पहुंचता है तो इसीलिए हमें यह सिंगल दिखता है सिंगल लीव लेकिन इंसिशन हुआ है बॉर्डर पर मार्जिन पर इंशीशन है बट हमें फिर भी यह सिंगल लीव ही दिख रहा है सिंगल लेमना ही दिख रहा है तो क्यों क्योंकि इंसिशन हुआ है बट द इंसीशन नेवर रीच द मिड्रिप तो इसको हम कहते हैं सिंपल लीव दिस इज कॉल्ड एज सिंपल लीव ठीक है अब देखो इंसीशन के भी यहां पर जो इंसीशन हो रहा है जो कट रहा है इंसीशन भी यहां पर मैं कहूंगा दो किस्म का इंसीशन है जो इंसीशन होता है इंसीशन कितने किस्म का मैं पहले बता रहा हूं दो किस्म का इंसीशन होता है लीप में दो किस्म का इंसीशन हो जाएगा किस किस्म का एक तो होता है एक तो होता है पिनेट और दूसरा होता है पामेट पिनेट टाइप ऑफ इंसीशन और पामेट टाइप ऑफ इंसीशन ठीक अब देखो पिन्ने टाइप ऑफ इंसीशन में क्या हो जाता है अगर पिन्ने टाइप ऑफ इंसिशन है तो इसमें क्या हो जाएगा लीव का तो इंसिशन हो जाएगा ऐसे इंसिशन हो रहा है बट इंसीशन इज नॉट रीचिंग द मेड्रिप मेड्रिप यहां पर इज द मैटर इंसीशन हुआ है मार्जिन से इंसीशन स्टार्ट हो रहा है एंड टुवर्ड्स मिड्र भी जा रहा है बट मिड्र तक नहीं पहुंचता है तो अगर इंसीशन हो रहा है मार्जिन से स्टार्ट हो रहा है वो इंसीशन जो मार्जिन से स्टार्ट हो गया व्हाट इज पिनेट इंसीशन जो मार्जिन से स्टार्ट हो गया इंसीशन विच स्टार्ट फ्राम मार्जिन ठीक है एंड एंड इज टूवर्ड्स मार्जिन से स्टार्ट हो रहा है इनसीशन विच स्टार्ट फ्राम स्टार्ट फ्रॉम मार्जिन एंड गोज टूवर्ड्स मेड्रिप टूवर्ड्स मेड्रिप होता है तो दैट कॉल्ड एज पिनेट तो पिनेट होता है इनसीशन विच स्टार्ट फ्रॉम द मार्जिन एंड इज गोइंग टुवर्ड्स द मेड्रिप उसको हम क्या कहते हैं उसको हम पिनेट किस्म का इंसीशन कहते हैं अब है पामेट पामेट इंसीशन क्या होता है अगर इंसीशन स्टार्ट हो गया इफ दफ द इंसीशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम मार्जिन मार्जिन से टूवर्ड्स कहाँ की तरफ जा रहा है टूवर्ड्स द बेस ऑफ द लीफ ठीक है ये रिप की तरफ नहीं जा रहा है टुवर्ड्स जा रहा है बेस तो इज़ तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है इंसीशन स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम मार्जिन बट गोइंग द बेस उसको हम क्या कहते हैं पामे टाइप ऑफ इंसीशन कहते हैं इट्स कॉल्ड एज पामे टाइप ऑफ इंसीशन इतनी बात क्लियर है अब देखो अब यहां पर इंसीशंस <clears throat> हम uh, बहुत सारे किस्म के मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ इंसेशन बहुत सारे किस्म के भी होते हैं मतलब जो मैंने अभी आपको बोला कि ये होता है पिनेट पामे तो इसी तरह के बहुत सारे इंसेशंस हैं अगर मैं डायग्रामेटिकली आपको दिखाऊंगा तो ऐसे है एक इंसेशन होता है ऐसे ये लीफ है ठीक है ये लीफ है तो ये होता है मतलब सिंपल लीफ ठीक है पिन्नी टाइप ऑफ लीफ है पिने टाइप ऑफ लीफ देखो क्या है पिन्ने टाइप ऑफ लीफ यह मिड ड्रिप है बीच में ठीक अब मिड मिड्रिप को क्या हो गया है इंसीशन इसमें हो गए हैं एट मार्जिन इंसीशन्स मार्जिन पर हुए बट दे आर नॉट रीचिंग मतलब ऐसे देखो ऐसे ये अब मैं ऐसे दिखाऊंगा ये है मतलब तो जो मैंने पहले बनाई थी ये, ये इस तरीके इंसिशंस हो रहे हैं बट दे आर नॉट रीचिंग द मेट्रिप ये मार्जिन्स पर हो रहे हैं तो इस वाले को हम क्या कहेंगे दिस इज पिन एट ठीक है टुवर्ड्स द मार्जिन मेट्रिप हो रहे हैं तो दिस इज पिन एट स्टार्टिंग फ्रॉम मार्जिन टुवर्ड्स द कहाँ की तरफ जा रहे हैं ये टूअर्ड्स मेड्रिप जा रहे हैं ये इंसिशंस ठीक इसको हम पिनेट कहते हैं दूसरा क्या होता है दूसरा होता है जिसको हम पनाटिफाइड कहते हैं ठीक है ठेके? पनाटिफाइड में देखो पनाटिफाइड में क्या हो जाता है देखो ये है मेड्रिप ठीक ये है लीव तो पेनाटफाइड क्या होता है पेनाटफाइड में एक्चुअली देखो क्या हो जाता है Penetified में जो होते हैं जो इंसीशन होते हैं वो मोर देन हाफ वे होते हैं ठीक है वो इंसीशन क्या होते हैं मोर देन हाफ वे तो यहाँ पर इंसिशन है, सा से ही अंदर आ चुका है ये incision, तो इन विच इसको हम पेनाइटिफाइड कहेंगे पेनाइटिफाइड में क्या होता है पेनाइटिफाइड में इंसिशन इज मोर देन हाफ ए मोर देन हाफ वे इंसिशन मोर देन हाफ वे तो वो हाफ से ज्यादा अंदर आ चुका होता है इनसीशन तो इन विच इंसीशन इज मोर देन हाफ दैट्स इन इज वन एज पेनाटिफाइड ठीक अब ये पेनाटिफाइड जो होता है पेनाटिफाइड हमें किस में नजर आ जाता है ठीक है या सिंपली हम इसको मोर देन हाफ ए नहीं बल्कि ये हाफ वे पर होता है ठीक है ये हाफ है मोर हाफ ए नहीं यहाँ पर मैं लिखूँगा हाफ मोर देन हाफ ए नहीं बट हाफ एनसीशन हाफ वे पर होता है नॉट मोर देन हाफ ए इंसीशन आप जो लेमिना का होता है मार्जिन से स्टार्ट होता है लेकिन ये होता है हाफ वे ठीक है हाफ वे इंस हाफ इंसिशन जो होता है उसको हम पेनाटिफाइड कहते हैं और पेनाटिफाइड इंसिशन हमें किसमें किस देखने को मिलता है क्राइसेंथम में किसमें देखने को मिलता है क्राइसेंथम क्राइसेंथम में हमें देखने को मिलता है क्या पनाटिफाइड इंसीशन इतनी बात हो गई अब दूसरा होता है पामेटिफाइड ठीक है पामेटिफाइड देखो इसमें भी होता है तो जो इंसीशन होता है वो भी हाफ वे ही होता है ठीक है पामेटिफाइड में हाफ वे होता है एक तो होता है पेनाटिफाइड वो क्रैनसेंथम में हमने देखा दूसरा होता है पामेटिफाइड पामेटिफाइड जिसमें एग्जाम्पल है लूफा में लूफा में क्या होता है पामेटिफाइड लूफा एग्जाम्पल है इसकी लूफा लूफा में क्या होता है पामेटफाइड पामाविटिफाइड देखो अगर मैं पामेटिफाइड इंसीशन की बात करूं तो पामेटिफाइड इंसीशन देखो कैसा होता है ये भी हाफ ही होता है ठीक है ये भी हाफ ही होता है जस्ट लाइक एज जो क्रेसेंथन में मैंने आपको कहा या इसकी थोड़ी सी ऐसे है ये थोड़ा सा डिफरेंट है ये ठीक तो ये क्या है दिस इज पामाइटिफाइड यह है पामाइटाइड ठीक फिर ये निकलते हैं इससे तो लूफा में पामाइटाइड इंसिशन हमें देखने को मिलता है हाफ वे ये भी हाफ वे ही होता है ठीक है हाफ वे पर ही होता है ये तो दिस इज इस पामाइटिफाइड इसी तरीके से एक और होता है जिसको हम क्या कहते हैं जिसको हम एक कसम का जिसको हम कहते हैं पेरा टाइट पैराटा क्या होता है अगर हम पैराटा की बात करें जब इंसिशन मोर देन हाफ वे होगा इंसिशन मोर देन हाफ एंसी मोर देन हाफ वे मोर देन हाफ वे पर होगा वो दैट मींस लीव के लैमिना के हाफ वे पर होगा मोर देन हाफ वे अब इसके भी दो टाइप्स हैं पैराटाइट के भी दो टाइप्स हैं एक तो इसमें आता है क्या पेनाट पैरेट एक तो आता है इसमें पेनाट पैरेट और दूसरा क्या आता है इसमें इसमें दूसरा आता है पामैट पैरेट पामैट पेरेट। पाम पेरेट पैरेट और पेनाइट पैरेट अब पाम पेरेट पैरेट और पेनाइट पैरेट इनसेशन मोर देन हाफ वे होता है और अगर हम पिनाइट पैरइट की बात करें तो ये किस में हमें देखने को मिलता है रेडिश रेडिश को हम रेफनस कहते हैं तो मैं यहाँ पर लिखूंगा रेफनस रेफनस हो गया रेडिश उसमें ये पाया जाता है ठीक या एग्रमोन में ये पाया जाता है और पामेट पामेट पैराइट में पाया जाता है ये कैस्टर में पाया जाता है कैस्टर कैस्टर को हम क्या कहते हैं उसको हम रेसिनस क्यूमिनस कहते हैं रसिनस क्यूमिनस ठीक है उसमें ये पाया जाता ठीक है इतनी बात होगी अब हम आगे चलते हैं तो अगर मैं इसकी डायग्राम्स बना दूं आपको कि ये कैसा होता है मतलब ये पेनाटिफाइड जो होता है जो मैंने आपको बोला पेनाटिफाइड पैराटाइट पेनाटिफाइड और पामेटिफाइड पामेटे पैराइड जो होते हैं ये क्या हो जाता है तो अगर मैं कैस्टर की एग्ज़ाम्पल दे दूँ तो पामेट पे में कैस्टर की एग्ज़ाम्पल अगर मैं देखूँ पहले तो कैस्टर जो होता है कैस्टर ऐसे होता है कैस्टर के लीव्स उसका लैमना ऐसे हो जाएगा हाफ वे है ठीक है थोड़ा सा ऐसे ही है नहीं। 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 तो ये हाफ है दिस इज हाफ वे ये हाफ पेपर है ठीक मोर देन हाफ पेपर है ये इंसिशंस आर मोर देन हाफ वे तो इसको हम क्या कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज पामेट एट पेराइट कैस्टर की एग्जाम्पल मैंने यहां पर आपको दे दी दिस इज पामेट एट ये कैस्टर की एग्जाम्पल ठीक है इसी तरीके से क्या होता है इसी तरीके से मैंने अभी आपको ये बोला था जो पनाइट पेनाइट पैराइट ये जो होता है पेनाइट पैराइट तो वो भी इसी तरीके से मतलब हाफ ही होते हैं वो मतलब मोर देन हाफ़ ही होते हैं ये तो आ, क्या हो गया ये तो सिंपल लीफ हो गया और हमने फिर इंसीशन पढ़े कि किस किस्म के इन्सीशन्स होते आते हैं ठीक है अब देखो अब है कंपाउंड लीफ अगर मैं कंपाउंड लीफ की बात करूँ तो कंपाउंड लीफ क्या होता है जिसमें मोर देन वन लैमना दैट मीन्स मोर देन वन लैमिना नहीं लैमना इज डिवाइड इन टू उसमें छोटे छोटे से हमें देखते हैं लैमिना ही डिवाइड हुआ होता है इंटू लीफलेट्स छोटे छोटे से लीफलेट्स में डिवाइड होता है तो कंपाउंड लीफ क्या हो जाएगा कंपाउंड लीफ जो होता है अगर क्या हो जाएगा अगर इंसिशंस ऑफ लेमना रीच करेंगे किसको मिड को तो दैट मीन्स फिर ये लैमिना जो है लैमिना किस में डिवाइड हो जाएगा ये नंबर ऑफ़ लीफ लट्स में डिवाइड हो जाएगा तो उस लीफ को हम कंपाउंड लीफ कहते हैं फॉर एग्जांपल देखो ऐसे मैं अगर ऐसे कर दूँ ये लेमिना है कम्प्लीट लेमिना तो अगर इंसीशंस हम कर देंगे तो इंसीशंस को हम कहाँ तक कर देंगे ये मेटरप है दिस इज द मेटरप अब इसमें इंसीशंस हम करेंगे ऐसे देखो इंसीशंस अगर ये इंसेशन कहां तक जा रहे हैं मिड्रिप तक जा रहे हैं ठीक द इंसेशंस आर गोइंग टवर्ड्स द मिड्रिप तो हमें क्या दूर से ही क्या दिख रहा है हमें दूर से हमें दिख रहा है कि एक पत्ता नहीं ये बहुत सारे लैमना है इसमें बहुत सारे पत्ते हैं शायद बड़ी एक ही पत्ता होता है तो दिस इज कल्ड आज कंपाउंड लीफ तो जिसमें लेमना इज डिवाइड इन टू ली फ्लैट्स नंबर ऑफ ली फ्लैट्स क्यों क्योंकि उसमें क्या हो गया तो इसमें होता है लेमना लेमना इज इनसीज इन सच ए वे एज फॉर्मड नंबर ऑफ लीफलेट्स नंबर ऑफ लीफलेट्स तो जिसमें लेमना उस तरीके से इंसाइज हुआ है तो जिसमें बहुत सारे लीफलेट्स बन चुके हैं तो दीज आर लीफलेट्स लीफलेट्स इसको हम कंपाउंड लीफ कहते हैं दिस इज सिंपली कार्ड एज द कंपाउंड लीफ तो जब इंसीशन टूवर्ड द मिड्रिप जाएगा तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा तो वहाँ पर लीफ बनने बनेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं इसको हम सिम्पली कंपाउंड लीव कहते हैं कंपाउंड लीफ भी होते हैं पिन और पामेट ठीक है कंपाउंड भी क्या होते हैं टू टाइप्स पिनेट और पामेट पिनेट और पामेट ठीक पिनेट और पामेट किस्म के ये होते हैं ठीक अब देखो अगर पिनेटली कंपाउंड लीफिस की बात करें पिनेट कंपाउंड लीफस पिनेट कंपाउंड लीफिस तो ये वाली टर्म आपको एनसीआरटी में दिखेगी पिनेट कंपाउंड लीवस में क्या होता है पिनेड कंपाउंड लीव्स में नंबर ऑफ लीफलेट्स तो होते हैं ठीक है मिड ड्रिप जो होती है उस मिड ड्रिप के इर्द गिर्द देखो इस मिड ड्रिप पर बहुत सारे लीफलेट्स हो जाते हैं मतलब एक ही लैमना डिवाइड हुआ होता है और बहुत सारे लीफलेट्स बन बना देता है वो ठीक है तो कितने लीफलेट्स हैं है बहुत सारे लीफलेट्स हैं तो अगर बहुत सारे लीफलेट्स बन रहे हैं ठीक तो हम क्या कहेंगे हम कहेंगे कि इट इज़ पिनेटी कंपाउंड लीप तो पिनेटी कंपाउंड लीप में क्या होता है कि जो मिड ड्रिप है मिड ड्रिप पर लिटरली अरेंजड uh, हाँ लीफलेट्स होते हैं वो और वो आल्टरनेट होते हैं मतलब अपोजिट मैन है दे आर इन अपोजिट मतलब ये इसके अपोजिट है ये इस वाली साइड है ये इस वाली साइड है तो लेटरली होते हैं साइड वाइज होते हैं बट अपोजिट होते हैं ठीक है थीके? तो अगर मिड ड्रिप पर क्या होंगे अगर मिड ड्रिप पर ली फ्लैट्स ली ऑन मिड रिप तो जो मेट्रिप पर होते हैं वो क्या होते हैं वो लेटरली अरेंज होते हैं बट इन अपोजिट ठीक है अल्टरनेटिवली और लेटरल uh, मतलब नंबर लेटरलैट्स leaf, क्या होते हैं लेटरल लेटरल ऑन द मेट्रिप बट दे आर अरेज कैसे ही हुए होते हैं दे आर अल्टरनेटिवली और इन अपोजिट मैनर ठीक है आल्टरनेटिवली और अपोजिट मैनर आल्टर और किस मैनर में अपोजिट मैनर में अपोजिट मैनर में तो अपोजिट मैनर बट आल्टर इन अपोजिट मैनर वो हो जाते हैं क्लियर है अब देखो इसमें भी बहुत सारे टाइप्स हैं यूनिपिनेट निकलते हैं जिसमें लेमना डिवाइड होता है खाली एक मतलब वंस खाली एक बार लेमना डिवाइड हो जाता है और जो लीफलेट्स या पिने होते हैं वो अटैच हो जाते हैं टू तो द सेंट्रल एक्सीस उस सेंट्रल एक्सीस को हम रैचीज़ कहते हैं ठीक है तो इसी तरीके से जो नंबर ऑफ ली फ्लैट होते हैं ऑन द कॉमन एक्सीज ये जो ये जो कॉमन एक्सीज ये जो मिड्रिप में कह रहा था ये जो कॉमन एक्सीज बन रही है इसको हम क्या कहेंगे इसको हम रैचीज भी कहेंगे तो वैन वैन लार्ज नंबर ऑफ वैन लार्ज नंबर ऑफ ली फ्लैट्स आर प्रजेंट ऑन ए सिंगल आ, दिस सेंट्रल uh, एक्सीज एक सेंट्रल एक्सीज पर ये बहुत सारे लीफलेट्स फ्लैट्स है तो इसको हम रैचीज कहते हैं इस सेंट्रल uh, एक्सीज को हम क्या कहेंगे दिस इज कॉल्ड दिस कामन एक्सीज इन एज रैचीज और यही रैचीज रिप्रेजेंट करती है मिड मिड रिप तो रैचीज इक्वल टू मेड रिम इट ये सेंट्रल एक्सिस होती है ये रिप्रेजेंट किसको करती है इट रिप्रेजेंट द मेड रिम ठीक तो इसमें भी बहुत सारे ये टाइप्स आ जाते हैं यूनिपिनेट आ जाता है हमारे पास आ या पैरपिनेट आ जाता है जब लीफलेट्स इवन इन नंबर होते हैं तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक पैरपिनेट तो पैरिपिनेट में क्या होता है लीफ्लेट्स इवन इन नंबर होते हैंट्स क्या होते हैं इवन इन नंबर लीफलेट्स क्या होते हैं इवन इन नंबर तो अगर लीफ इवन इन नंबर है तो देन इट्स नोन एज पैर पिनेट क्लियर तो एग्जाम्पल कैसिया एग्जाम्पल क्या है इसकी एग्जाम्पल पे हम देंगे इसको कैसिया तो कैसिया एक एग्जाम्पल आ गई या सेबैनिया ठीक है से भी एक एग्जाम्पल आ गई कैसिया सेसबैनिया ये सारे क्या हैं ये सिंपली पैरपिनेट है तो अगर कैसिया का आप देखोगे कैसे ऐसा है कैसे ऐसे है लेटरली अरेजेड कॉमन एक्सिस पर लेटरली अरेजेड है बट अपोजिट ठीक है तो दिस इज कैसिया ठीक ये पी होता है और ये हो गया दिस दिस इज पी ठीक ये लीफलेट्स होते हैं ठीक और इसी ये क्या है दिस इज राय चीज जिसको हम मेटर भी कहते हैं तो ये कैसे के एग्जाम्पल हो गई ठीक इसी तरीके से इम्पायर पिनेट भी होता है जैसे कि चाइनीज बॉक्स चाइनीज बॉक्स या रोजा इंडिका में इम्पायर पिनेट होता है जब लीफ लेट्स क्या होते हैं ऑड इन नंबर तो अगर लीफ लेट्स ऑड इन नंबर है तो उसको हम क्या कहते हैं एम पैर पिनेट तो एम्पायर पिनेट में क्या होता है एम्पायर पिनेट में लीफ लेट्स इवन इन नंबर ये किस में पाया जाता है रोज रोजा इंडिका रोजा इंडिका रोजा में लीफलेट सेवन इन नंबर हो जाते हैं बाइपनेट होता है जिसमें लीफ डिवाइड होता है ट्वाइस हाँ जो लैमिना डिवाइड होता है ट्वाइस और जो लीफ लेट्स होते हैं वो बाइपनेट लीफ में उनको हम पाइनल कहते हैं ठीक है ठीके? और ये पाइनस डेवलप हो जाता है ऑन द सेकेंडरी एक्सिस कार्ड एज रेचीला रेक्यूल तो मतलब बहुत सारी किस्म निकलते हैं इसमें डिकम्पाउंड निकलते हैं पामेटली कंपाउंड लीव्स निकलते हैं यूनिफाइल ये ट्राईपिनेट निकलते हैं तो बहुत सारे किस्म के निकलते हैं हमारे पास लीव्स तो कंपाउंड लीव्स हमने पिनेटली कंपाउंड लीव्स में हमने मैंने एग्जांपल आपको दे दी यूनिपिनेट और यूनिपिनेट भी फिर दो किस्म का होता है एक होता है पैरपिनेट और इम्पायरपिनेट ठीक और इसके बाद बाईपिनेट है बाईपिनेट उसके बाद ट्राईपिनेट है तो छोटी छोटी से एग्जाम्पल मैं दे दूँगा यहाँ पर बाई पिनेट लीवस कौन से होते हैं बाई पिनेट लीवस में क्या होता है बाईपिनेट लीव्स में सिंपली लेमना जो होता है डिवाइड ठीक है जो लीफ है पिनेट लीव हां लीव डिवाइड्स ट्वाइस इसमें ट्वाइस ठीक है लीव डिवाइड हो जाता है और जो लीफ लेट्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं लीफलेट्स ऑन द लीफ आर नोन एस पाइनस लीफ लेट्स को हम क्या बोलते हैं लीफलेट्स को हम पाइनस कहते हैं लीफलेट्स को पायनूल कहा जाता है और ये पायलूनस सेकेंडरी एक्सीज पर होते हैं उसको हम रचीला कहते हैं ठीक है आ रहा रचीला सेकेंडरी एक्सीज रचीला आर रक्यूल ठीक है ये क्या होती है सेकेंडरी एक्सिस इतनी बात हो गई तो मेमोसा पुदने का इसकी एग्जाम्पल है इसकी एग्जाम्पल क्या हम लगाएंगे मेमोसा टाचमिन जिसको हम बोलते हैं मेमोसा प्यूडिनिका, प्यूडिका, टच मी नॉट प्लांट इसी तरीके से ट्राइपेड जब थ्राइस हो जाएगा ये ठीक है ट्राइपिनेट में थ्राइस होता है ट्राईपेनेट में क्या होता है लीफ डिवाइड्स थ्राइस थ्र, थ्राइस ठीक है इसमें थ्री टाइम्स हो जाता है और जो सेकेंडरी एक्सीज होती है उसी पर लीफलेट्स होते हैं इनको भी पाइनस कहते हैं तो एग्जांपल इसकी ट्राइपेनेट की क्या आएगी आरोज़ाइलॉन, आरोज़ाइलॉन क्या है जिसको आर लुक कहते हैं ठीक ये हो गया उसके बाद पाम इटली कंपाउंड लीव्स पाम इटली कंपाउंड लीव्स कंपाउंड लीव्स अब देखो पामेटली कंपाउंड लीव्स क्या होते हैं इन में लीफ लेट्स जो होती है वो बोन एट द टिप ऑफ द पीटीओल होती like है लाइक फिंगर्स ऑफ द पाम ठीक है तो जस्ट लाइक एज दिस द टिप लाइक एज द पाम लीफ लेट्स कहां पर एट द टिप तो लीफ लेट टिप ठीक है लीफलेट्स एट टिप तो दैट कॉल्ड एज टिप ऑफ पीटीओल पीटीओल के टिप पर होती है तो दिस इज पीटीओल तो इनको हम कहते हैं पामेटली कंपाउंड लीव्स और ये भी यूनिफोलेट होते हैं ट्राइफोलेट होते हैं कार्डिफोलेट होते हैं मल्टी मल्टीफोलेट होते हैं ये भी बहुत सारे किस्म के हो जाते हैं ठीक है थीके? तो इसमें एग्जाम्पल मैं देंगे सिलिक कॉटन के सिलिक कॉटन तो ये भी बहुत सारे किस्म के हैं कॉर्डिफॉलेट है मर्टिफॉलेट है ट्राइफॉलेट है यूनिफॉलेट है, है तो आज के लेक्चर में इतना ही कल हम फाइलोटैक्सी उठाएंगे इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है